गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है दिल्ली का मैच, दिल्ली में गुजरात टाइटंस के साथ, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली को सपोर्ट करने और अपनी जर्सी पहन लिया मैं 2008 की। आपको पता है मेरे पास जर्सी का कितना बड़ा कलेक्शन है, तो मेरी फेवरेट जर्सी ये 2008 की दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी ये मैंने पहन ली है मैच देखने के लिए। मैं जा रहा हूँ, आज मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ मैच देखने के लिए मम्मी को, क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से सोचा था मम्मी और पापा को एक बार ना IPL का मैच देखने के लिए भेजूंगा, लेकिन पापा तो अनफॉर्चुनेटली अभी घर पे है नहीं मेरे, तो इसलिए मम्मी थी। मैंने कहा चल आज मम्मी के साथ मैं जाता हूँ और उनको बताऊंगा ये मैच कैसे होता है, और मम्मी को देखना भी था मैच तो। और वैसे आज जो मैच है ना दिल्ली में, वो है अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के, और मैच है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। मैच की सबसे खास बात ये है जो जिसके लिए मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ऋषभ पंत, मतलब एक साल पहले आपको याद होगा उसका बहुत एक्सीडेंट हुआ था गंदा, तो पता नहीं उसके बाद वो कैसे बेचारा एक साल बाद इंजरी के बाद खेल रहा है, तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तो उसकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है और मेरे को लग रहा है कि आज वो अच्छा खेलेगा। लास्ट मैच में उसने काफ़ी स्लो खेला था, बट आज वो मैच आ रहा हूँ ना देखना अच्छा खेलेगा और दिल्ली पक्का जीतेगी। ओके मम्मी, तो भाई देखो टिफिन विफिन तैयार कर रही है मैच में जाने के लिए। नहीं यार ये नहीं है, मेरी बहन का ही है, उसको ऑफिस जाना है, मम्मी उसको जल्दी से टिफिन विफिन दे के निकल रही हैं, उसके बाद मम्मी तैयार हो रही हैं, उसके बाद सीधा मतलब मैं जा रहा हूँ टिकट लेने। मेरे को एक दोस्त से टिकट कलेक्ट करना है, मैं उससे टिकट कलेक्ट करता हूँ और मम्मी मेरे को वहीं पर मिलेंगी स्टेडियम में, तो मैं निकल रहा हूँ अब टिकट कलेक्ट करने के लिए। ओके भाई, तो टिकट तो मेरे को मिल गई है यहाँ पे। ओके भाई, तो टिकट तो मिल गई, आपने देखा, अब जा रहा हूँ सीधा स्टेडियम के लिए, वहीं मिलेंगी मम्मी मेरे को। भाई हम लोग आ गए हैं और मैंने इतने वर्ल्ड कप देख चुका हूँ और चेन्नई के RCB के मैच देखे हैं ना, यहाँ पे वाली हाइप नहीं है जैसे पहले हर साल होती थी ना जब RCB या चेन्नई का मैच होता था इंडिया का। तो आप देखो ना, सब अपने घर के कपड़ों में आए हैं, कोई फैन बेस ऐसा नहीं है दिल्ली का आज भी। और भाई मम्मी भी आ गई, आज पहली बार दिखाऊंगा मैच मम्मी को। देख लो भाई हाइप, देख लो यहाँ पे खाली खाली सही है, लोग अपने घरों के कपड़ों में आए हैं, मैं ही आया हूँ 2008 की जर्सी पहन के बस एक अकेले। भाई स्टेडियम में सबसे अच्छी फीलिंग पता है कौन सी होती है, जब कोई नया बंदा फर्स्ट टाइम मैच जो देखने आया ना, वो लाइट्स देखता है ना जो टीवी पे उसने हमेशा देखी होती है। आज मम्मी का रिएक्शन देखूंगा उसमें कैसा होगा लाइट देख के। ऐसा रिएक्शन है स्टेडियम का दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है ना भाई। हम यहाँ पे ना जैसे मैच देख रहे थे ना, हमारी सीट ना बहुत ऊपर है, हमें ना जैसे आधा स्क्रीन का व्यू मिल नहीं रहा। मैंने ना अभी एक फोन किया है और मेरे दोस्त के पास एक और टिकट पड़ी है, वो पता है कहाँ की है, ये वाली है जो गौतम गंभीर है ना यहाँ स्टैंड के नीचे यहाँ की है। तो मैं जा रहा हूँ जल्दी से वाली टिकट लेके आ रहा हूँ, मम्मी बैठेंगी आप इंजॉय करो जब तक, मैं लेके आ रहा हूँ ठीक है। असली में वेल टिकट लेने क्यों गया, एक टिकट होने के बाद ये देख रहा है फूड बॉक्स, इसके चक्कर में दिन में सेकंड टाइम एंट्री हो रही है। थैंक यू भाई, क्या नाम है, बहुत टाइम लग गया, थोड़े ओवर मिस हो गए, बट अब ये सीट है ना जो बहुत वर्थ होगी, एकदम सामने बैठेंगे ऋषभ पंत और शुभमन गिल को, मम्मी को पास से दिखा पाऊंगा। वैसे आपका प्लेयर कौन है फेवरेट? ऋषभ पंत झूठ बोल रही है, मैं घर पे बोल रही थी, डर गई है कैमरे के आगे। वैसे विराट कोहली कह रही थी, विराट कोहली कहते हैं आज नहीं है तो चलो बैटिंग कर रहा है फिर। भाई वहां से जाके टिकट लेने का वर्थ था, देखो कितना क्लियर व्यू दिख रहा है, ऋषभ पंत सामने बैटिंग कर रहा है, सब प्लेयर दिख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग ना यहाँ कहीं बैठे थे। भाई साहब ऋषभ पंत फायर पे है भाई, 200 रन हो गए ऋषभ पंत के, और मैं भी दिल्ली के जितने मैच देखने आऊँ सारी जीत गई, आपको पता ही है इसलिए दिल्ली जीतेगी आज। और शुभमन गिल को देखो, भाई ऋषभ पंत ने तो पिछले मैच में जो इतना गंदा खेला था उसने अच्छा खेल दिया, क्या इनिंग खेल रहा है ऋषभ पंत। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, 218 स्कोर है, 218 छक्का छक्का छक्का। अब दिल्ली जीतेगी देखना आज भी, पर ऐसा होता ही नहीं है कि मैं मैच देखने वो दिल्ली जीते ना, हमेशा जीतती आज भी जीतेगी देखना, बस एक चेन्नई सारी थी लास्ट टाइम। भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम करने आ गया मैं, फूड बॉक्स कलेक्ट करने अपना। ये भी नहीं कटे, ये तो कहीं नहीं कटेगा ना, ये बस वैसी है ना, मैंने लिखा है ना फूड लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं फूड लिखा होगा पर ये तो कहीं नहीं कटेगा ना। थैंक यू, देख लो भाई मेन काम हो गया खाने का, इसलिए मैंने सीट बदली थी, वरना भी तो वहाँ भी ठीक ही था। सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई, शुभमन गिल के खड़ा बैटिंग करने आ गया है, देखते हैं क्या होगा। साहा लो फूड बॉक्स, ये आ गया फूड बॉक्स, सही है। एक बार अनबॉक्सिंग करता हूँ दिखाऊँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है।
बर्गर है छोटा सा नरुला का, ये कोई तो रोल है ये, और दो कुकीज, एक कचौड़ी और एक सब बस। इतने टाइम से मैच देख रही है, इनको अभी तक ना ये नहीं पता था कि हर ओवर के बाद साइड चेंज हो रही है। इनको आज पता चला मैच में, क्या ये साइड क्यों चेंज हो रही है, इनको पता ही नहीं था आज तक। इतने टाइम से मैच देख रही है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया। और ड्यू हटाने के लिए देखो भाई, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई, पूछा लग रहा है। यहाँ पे आशीष नहर आ चुका है समझाने, कुछ दिल्ली खींचा है भाई। दिल्ली का मैच और पुष्पा राज को दिखाया, ऐसा नहीं लगता ये पुष्पा राज। डेविड वॉर्नर जब भी होता है गाना तो मैं आते हैं उनको टेप करने के लिए। चांदी मैच देखने आए, देखो मैच देख रहा है चांदी, और मेरा चांद ये देख रहा है मैच। 12 बॉल पे 36 रन चाहिए, देखते हैं कौन जीतेगा। मैच तो डेली जीतेगी, चलो एक बॉल दिखा दो। काशिफ खेल रहा है, वैसे एक बॉल देख रहा है। अरे यार चौका चौका, कौन जीतेगा? एक ओवर में 3 छक्के चाहिए, कौन दिल्ली? नो भाई, देसी बॉयज जा रहे हैं। राशिद ने 2 छक्के मार दिए भाई, अब 4 ओवर पे 11 रन चाहिए, मैच बच गया। दिल्ली जीतेगा, 4 ओवर पे 11 रन। तीन पे 11 जीत गई दिल्ली, अब तो जीती गई, अब तो जीती गई दिल्ली। 2 छक्के चाहिए ये 2 बॉल पे, क्या होता है जीत गए। चलो भाई छक्का ना लगे, बस जीत गए। और हम जीत भी गए भाई, मैं आता हूँ तो जीतते ही, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका भी रिकॉर्ड अब 100% हो गया, एक बार बस मेरे से गलती से चेन्नई ने हरा दिया था दिल्ली को, वरना हमेशा दिल्ली जीतती है जब भी मैं आता हूँ भाई। मैच के बाद ये सुमित करके भाई प्लेयर है, ये सबके साथ फोटो ले रहा है।